पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिससे ट्रक एसोसिएशन को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत सरकार ने भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 16 चक्के वाले ट्रकों के जरिए गिट्टी बालू आदि की ढुलाई पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद ट्रक एसोसिएशन की बड़ी जीत हुई है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर 7 अप्रैल 2022 को फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया। हाईकोर्ट के फैसले से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है जिसने प्रतिबंध के पीछे तर्क दिया था कि बिहार की सड़कें इतनी भारी वाहनों की क्षमता नहीं उठा सकती। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है जिनके भारी वाहनों द्वारा गिट्टी बालू आदि की ढुलाई पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। बता दें कि बिहार सरकार ने 16 दिसंबर 2020 द्वारा जारी अधिसूचना कर इन वाहनों द्वारा गिट्टी बालू ढुलाई पर रोक लगा दिया था। बिहार सरकार ने 16 चक्का के ट्रक पर बालू गिट्टी ढोए जाने के जो ट्रक के पास अधिकार था उस पर प्रतिबंध 2020 में लगाया था। बिहार ट्रक एसोसिएशन ने पटना उच्च न्यायालय में इस बात के लिए रिट दाखिल किया कि ये गलत है, बिहार में अगर 16 चक्का के ट्रक नहीं चलेंगे तो लंबी दूरी की ढुलाई संभव नहीं है, इसलिए वो माननीय उच्च न्यायालय से को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने इसे स्थगित भी किया था, जिसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय को 7 सप्ताह के अंदर इस आवेदन रिट याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया था और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय ने आज ये फैसला सुनाया है और हमको लगता है कि बिहार सरकार का ये कहना कि सड़क जर्जर है इसलिए इसे नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये सही नहीं था। इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ ने जो निर्णय सुनाया है वो सही सुनाया है। जो सड़क कम चौड़ा है या जहाँ नहीं जाया जा सकता, 16 चक्का का ट्रक जाएगा ही नहीं। 16 का चक्का का ट्रक जहाँ भी जाएगा, जहाँ मैंने सड़क चौड़ा है, 3-4 लेन है, 6 लेन है, 8 लेन है, वैसे वैसे जो सड़क हैं वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। देशवा न्यूज़ के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।